हम राजभाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक राजभाषा के प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये राजभाषा का जो प्रश्न है उसको अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है, ऐसा क्यों? तो नियम 5 में ऐसा प्रावधान है कि हिंदी का प्रश्न उत्तर केवल हिंदी में ही देना चाहिए। तो नियम 5 के तहत हिंदी के प्रश्न उत्तर हिंदी में ही लिखा गया है, ना कि अंग्रेजी में। तो 101 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 101 का करेक्ट आंसर बी है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन 103, कौन सा राज्य ख क्षेत्र में आता है? तो ख क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित मिला के छः छः हैं जो ख क्षेत्र में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, मैं उसका नाम बताता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दवन दीव, दादर और नगर हवेली, ये जो छः क्षेत्र हैं वो ख क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें से सी जो है महाराष्ट्र, वो राज्य ख क्षेत्र में आते हैं। तो 103 का करेक्ट आंसर सी हुआ। अगला क्वेश्चन है 104, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, राजभाषाएं वर्णित है। तो इसमें से एक जो भाषा है वो विदेशी भाषा को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, वो है नेपाली। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। 104 का करेक्ट आंसर सी हुआ। अगला क्वेश्चन 105, राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 के अनुसार कागजातों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है? तो राजभाषा अधिनियम 3-3 के अनुसार कागजातों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जारी किया जाता है। तो 105 का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 106, विद्युत इंजन कारखाना भुसावल की वार्षिक पत्रिका का क्या नाम है? तो विद्युत इंजन कारखाना भुसावल की वार्षिक पत्रिका का नाम है परिजात। ठीक है, तो 106 का बी आंसर सही है। 107 नंबर में है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो है 3 माह में एक बार होना चाहिए और 1 साल में 4 बार होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 107 का क्या होगा, डी होगा। इसकी बैठक साल में 4 बार होनी चाहिए, हर 3 महीने पे। 108 नंबर क्वेश्चन है, रबर की मोहर कितनी भाषाओं में होनी चाहिए? तो हम ऑफिस में स्टैंप देखते हैं, वो 2 भाषा में लिखा होता है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो रबर की मोहर 2 भाषा में होनी चाहिए और दोनों अक्षर समान होने चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो रबर की मोहर 2 भाषा में होना चाहिए। 108 का करेक्ट आंसर बी है। भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होते? भारत के तमिलनाडु राज्य ऐसा है जिसमें राजभाषा नियम 1976 जो है वो लागू नहीं होता। तो 109 का करेक्ट आंसर डी है।
110 मूल रूप से हिंदी में कथा संग्रह एवं